एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास क्रम एमवीवन एक्ट। तो स्टार्ट करते हैं, यह भारत के संवैधानिक विकास क्रम जो उनके विवन एक्ट हम कर रहे हैं उसका पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 2 आ चुके हैं, उसमें हमने पार्ट फर्स्ट में तो हमने बेसिक डायग्राम के माध्यम से सभी एक्ट किए थे, और पार्ट 2 में हमने जो कंपनी का शासन था उसके जो 1773 से लेकर 1857 ईस्वी तक जो भी एक्ट थे उनको किया है। इस पार्ट 3 में हम जो ब्रिटिश राज का शासन है उसको जो 1858 ईस्वी का प्रथम अधिनियम है हम उसको करेंगे। इसमें प्रथम एक्ट है 1858 ईस्वी का अधिनियम। 1858 ईस्वी के अधिनियम को इलाहाबाद घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है, और इसे शाही घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है, और इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला शासन भी कहा जाता है 1858 ईस्वी के अधिनियम को। और तो इसकी प्रमुख विशेषता है 1858 ईस्वी के अधिनियम की इस एक्ट द्वारा भारत सचिव का पद सृजित किया गया था, और जो भारत सचिव का पद होता था वह इसे भारत का मुगल ए आजम भी कहते थे। भारत का मुगल ए आजम भारत सचिव को कहा जाता था, मुगल भारत का मुगल ए आजम। और जो भारत सचिव होता था वह जो भारत की सभी रियासतें थी जैसी रियासतों पर नियंत्रण का कार्य करता था भारत सचिव। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता, कंपनी का शासन स्वागत का उत्तरदायित्व जो उत्तरदायित्व था वह ब्रिटिश संसद को सौंप दिया गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और जो उसका प्रमुख नियंत्रण था वो ब्रिटिश संसद को ब्रिटिश संसद के हाथों में सौंप दिया गया। अब जो भी निर्णय या कानून बनाएगी वह ब्रिटिश संसद ही बनाएगी। तीसरी इसकी प्रमुख विशेषता, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया। और चौथा जो इसकी प्रमुख विशेषता है, ब्रिटिश संसद में भारतीय बजट पेश करने का अधिकार दिया गया 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत। पांचवी विशेषता, गोद निषेध नीति राज्यों की विलय नीति बंद कर दी गई जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई थी। गोद निषेध नीति को डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, और लॉर्ड डलहौजी ने यह प्रारंभ की थी और उसको समाप्त कर दिया गया 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत। छठी इसकी प्रमुख विशेषता, सरकारी नौकरियां थी जो सभी भारतीयों के लिए खोल दी गई, यानी सभी अब भारतीय जो कि विभिन्न सरकारी नौकरियों में भर्तियां उनकी भी की जा सकती है भारतीयों की भी। साथ ही इसकी प्रमुख विशेषता, 1857 की क्रांति में कैद लोगों को क्षमा कर दिया गया, और यह घोषणा थी जो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में सुनाई थी, और लॉर्ड कैनिंग को दयालु वायसराय के नाम से भी जाना जाता है। साथ में इसमें इसकी जो प्रमुख विशेषता थी वह बंबई मद्रास कोलकाता में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत। दूसरा जो अधिनियम है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश जारी की जो वर्तमान में राष्ट्रपति के पास है अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत वह वायसराय को दी गई थी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता, विधेयक पर वीटो की शक्ति प्रदान की गई जो वर्तमान में राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 में वीटो की शक्ति। तीसरी जो इसकी प्रमुख विशेषता है वह बंबई मद्रास कोलकाता उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। तीसरा एक्ट है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले था जो भारत सचिव था, और मिंटो जो था वह वायसराय भारतीय वायसराय था मिंटो, और जो लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो के द्वारा 1909 ईस्वी का जो संपूर्ण भारत परिषद अधिनियम था वह इन दोनों के द्वारा तैयार किया गया था, और मार्ले भारत सचिव था उस समय और मिंटो भारतीय वायसराय। 1909 ईस्वी अधिनियम की जो प्रमुख विशेषता है वह मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया था 1909 ईस्वी के अधिनियम के तहत। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन का
तो जनक कहा जाता है, वह कहते हैं लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो उनके द्वारा इख्तियार किया गया उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दिया गया था। पृथक निर्वाचन का अर्थ यह है कि जो मतलब मुस्लिम प्रतिनिधि होते थे उनका चुनाव मुस्लिम जो मताधिकारी होते थे वही कर सकते थे। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता, वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य जोड़ा गया, जो प्रमुख प्रथम भारतीय सदस्य थे वह थे सत्येंद्र सिन्हा, जो कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य थे। तीसरी इसकी प्रमुख विशेषता, केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, और इस एक्ट जो 1909 ईस्वी का, इसके बारे में कन्हैयालाल के एम मुंशी यानी कि कन्हैयालाल मणिकेलाल मुंशी ने इसके बारे में कहा था कि इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला, 1909 ईस्वी के अधिनियम को कहा था। ओके, धन्यवाद।